आप अपनी तुलना किसी से मत किया करो। ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। आपकी आंखें अलग हैं, आपका फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारा अलग है, सब तो अलग है, एक सा कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने भी अलग अलग बनाया है। और आप क्या कहते हैं, वो ऐसे कर रहे थे, हम वो मांस खा रहे हैं महाराज जी, हम भी मांस खाएंगे। अरे वो तो शराब पी रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम भी पी लेते हैं। वो तो मांस खा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अमेरिका वाले मांस खा रहे हैं, लंदन वाले मांस खा रहे हैं, जापान वाले शराब पी रहे हैं, इंग्लैंड वाले शराब पी रहे हैं, तो भारत वाले उनको लगा कि यार वो पी रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो हम भी खाएं। तुम अमेरिका लंदन जापान वाले नहीं हो, तुम भारतीय हो। भारत की तुलना अमेरिका से हो ही नहीं सकती, भारत की तुलना लंदन से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी माँ, समझो आप ये बातें। देखो हम कैसे समझाएं आपको। भारत की नारी, समझो आप, भारत की जो स्त्री है, भारत की नारी की तुलना विदेशी स्त्रियों से नहीं हो सकती। तुम गोरी हो, सांवली हो, ठिनगी हो, लंबी हो, तुम्हारा रूप रंग कैसा है उस पर हम नहीं जाएंगे। विदेश की स्त्रियां देखने में बहुत सुंदर हो सकती हैं, भारत की स्त्रियां कुछ सांवली हो सकती हैं, लेकिन भारत की स्त्रियों का चरित्र जितना श्रेष्ठ है, दुनिया में किसी देश की स्त्री का चरित्र इतना श्रेष्ठ नहीं है। चरित्र की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो भारत की नारी का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है। रूप रंग अपनी जगह है, यदि आप रूप रंग में जाने चाहते हो तो हां, अमेरिका लंदन की महिलाएं सुंदर हैं, लेकिन आप चरित्र की दृष्टि से जाना चाहते हो तो भारत की नारी सुंदर है चरित्र में। इसलिए भारत की स्त्री की तुलना अमेरिका की स्त्रियों से करना, भारत के पुरुषों की तुलना अमेरिका के पुरुषों से करना, आपने गलती यहीं तो कर दी कि तुलना करना शुरू कर दी आपने। अमेरिका से तुलना, जापान से तुलना, लंदन से तुलना, तुलना नहीं हो सकती मेरी माँ। सोने की तुलना सोने से होगी, सोने की तुलना लोहे से नहीं हो सकती। बताओ, हीरे की तुलना हीरे से होगी, हीरे की तुलना पत्थर से नहीं हो सकती। अरे तुलना करने के लिए बराबरी चाहिए, और भारत के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई और देश करता हो तो मुझे नाम बताओ उस देश का, जहां भारत के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई और देश करता हो। चरित्र की बराबरी बताओ, सैटेलाइट की बराबरी तो कोई कर सकता है, टेक्नोलॉजी की बराबरी तो शायद कोई कर सकता है, हम चरित्र की बराबरी आपसे पूछ रहे हैं। भारत के पुरुषों का चरित्र और भारत की स्त्रियों का चरित्र जितना श्रेष्ठ है किसी का हो तो नाम बता सकते हो। भारत में एक पुरुष का कॉन्सेप्ट है, एक पुरुष। पत्नी के पास कितने पुरुष होंगे? केवल एक पति। और पुरुषों के पास कितनी स्त्रियां होंगी? सिर्फ एक। भगवान राम के पास केवल एक पत्नी थी और माता सीता के पास केवल एक पुरुष था। बोलो हाँ, हाँ या ना। तो हमारे प्रभु ने, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने कहा, करके दिखाया, एक पत्नी एक पति। और एक पत्नी और एक पति वाला कौन होगा, चरित्रहीन या चरित्रवान? बोलो जोर से। और दो पति और तीन पत्नी वाला, चार पत्नी वाला चरित्रवान होगा? नहीं। इसलिए हमारे यहां एक पत्नी होती है, भारत में एक पति होता है। दुनिया में, विदेशों में मेरी मां, कपड़ों की तरह स्त्रियां पति बदलती हैं पुरुष, और पुरुष लोग भी कपड़ों की तरह स्त्रियां बदलते हैं। वहां का यही कल्चर है, वहां का यही है सेटअप। वहां की तुलना भारत से आप करो, आपकी माँ आपके पिता के संग रहती है, उसी के संग गुजार दिया पूरा जीवन, दूसरे आदमी को देखती नहीं है गलत भाव से,
और तुम अपनी माँ की तुलना करने लगो अमेरिका की किसी महिला से, तो कहाँ बैठेगा हिसाब किताब। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि ही गलत है। आपके जैसा केवल आप हैं, हमारे जैसा केवल हम हैं, लता जी के जैसा केवल लता जी हैं, रफी जी के जैसा केवल रफी जी हैं, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। और जो किसी के जैसा बनना चाहता है वो बहुत बड़ा मूर्ख है। आप अपने जैसा बनो, अपने को श्रेष्ठ बनाओ, किसी के जैसा मत बनो। किसी के जैसा कोई आज तक बना? कोई कहता मैं राम के जैसा, राम के जैसा कोई बन सकता है क्या? विवेकानंद के जैसा कोई बन सकता है क्या? कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। आप अपने जैसा बन के दिखाओ सबसे श्रेष्ठ। तुलनात्मक दृष्टि समाप्त करो, ठीक है? पढ़ाई आप करो, पैसा आप कमाओ, पर अपनी तुलना किसी से ना करो। आप अपने को इतना सफल बनाओ, अपने में फोकस करो, अपने को ध्यान दो, अपने पर समय दो, अपने को समय दो, अपने पर ध्यान दो, अपने को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि हमें किसी से तुलना, जमाना तुलना करे करे, हम ना करें अपनी तुलना किसी से। ये दास अनिरुद्ध, हम बैठे हैं आपके सामने, ये दास अनिरुद्ध, हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते, हम केवल अपना कार्य करते हैं। हम किसी के जैसे नहीं हैं और ना कोई हमारे जैसा हो सकता है, ना हम किसी के जैसे हो सकते हैं। जो होगा वो अपने जैसा होगा। बताओ मेरी माँ, इस संसार में एक व्यक्ति एक बार आता है, करोड़ों महिलाएं हैं दुनिया में, करोड़ों महिलाओं में लाखों स्त्रियां ऐसी हैं जो बहुत सुंदर गाती हैं, उनका गाने में अपना नाम है, पर लता जी लता जी हैं, आशा जी आशा जी हैं, है ना? दोनों बहन हैं परंतु दोनों अलग अलग हैं, और दोनों वो चाहें, आशा जी चाहें कि मैं लता जी बन जाऊं, लता जी चाहे मैं आशा बन जाऊं, जो आप हैं वही आप रहेंगे।